हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूं। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आई थिंक बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ चुकी थी और काफ़ी टाइम से आ रही थी और मैं इसे काफ़ी अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शुरू करूँ, शेयर करूँ। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, बहुत से लोग इसे जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्किन टेक्सचर को काफ़ी अच्छा रखती है, इवन जो भी क्योंकि गर्मियाँ हैं और जब आप बाहर निकलते हो तो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, इतना ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ों को ये क्या करता है, रात में रिपेयरिंग मोड पर चली जाती है आपकी है। इस तरह से नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरफ के साथ अपनी रेगुलर नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये मेरी रेगुलर है, यानी कि रोज़ की जो मैं करती हूँ, और वीकली मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिस भी फेस वॉश को आप यूज़ करते हैं उसे अपने फेस को वॉश करना है। मैं यहाँ पर डव सोप का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपकी स्किन को जो भी सूट करता है आप वही लगाइए। तो मैं अपने स्किन को डव साबुन से क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से वॉश करिए अपने फेस को, ताकि दिन भर की जितनी भी डर्ट है, पल्यूशन है आपकी स्किन पे, वो बहुत अच्छे से निकल जाए आपकी स्किन से। और बहुत ही धीरे से अपने फेस का जितना भी वाटर है वो निकालिए, यानी कि रब करके आपको अपने फेस को नहीं पोंछना है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज बायोटिक की स्किन नाइट स्किन केयर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी है, मैं इसे 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मैं इसमें रोज़ वाटर मिलाऊँगी। और मैं रोज़ वाटर इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, हमारे स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रखती है और हमारे फेस पे एक नमी भी बनी रहती है। तो इसलिए मैं डेली यूज़ में रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी क्रीम के साथ। तो मैं रोज़ वाटर ज़रूर मिलाती हूँ अपनी क्रीम में। और फ्रेंड्स, नाइट केयर रूटीन इसलिए भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन पे जितनी भी डर्ट होती है पल्यूशन की वजह से, हमारी जो भी स्किन डैमेज हो गई है। तो यहाँ पे मैं अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे हिमालया की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो जिससे हमारा फेस जो डल हो जाता है। अगर आप मतलब रेगुलर बेसिस पे अपनी जो नाइट रूटीन है अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आपके फेस की जितनी भी डलनेस है वो चली जाएगी और जो आपकी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, वो भी बहुत तेज़ी से जाएगा। आपके फेस पे एक ग्लो आएगा क्योंकि फ्रेंड्स, नाइट में जो है हमारी स्किन रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है, इसलिए रात में हमेशा नाइट क्रीम लगा के सोना चाहिए। और मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहिए। तो अब बहुत ही सिंपल चीज़ों से मैं अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। आप चाहें तो रोज़ वाटर स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर नाइट क्रीम नहीं ले सकते हैं तो आप कोई भी जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं गुड क्वालिटी का, और ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। ना हो सके तो सिंपल सा जस्ट फेस वॉश करिए और कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, इससे भी आपकी स्किन रात भर रिपेयरिंग मोड पे रहेगी। आई होप गाइस, ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।